तो हाँ जी, हनुमानगढ़ में भी आ चुका है कुल्लड़ पिज्ज़ा। तो हाँ, ये बहुत ही ज़्यादा वायरल चल रहा है इन दिनों में, और यहाँ पर भी कुल्लड़ पिज़्ज़ा का आना हो चुका है। तो ये शुरू किया है, यहाँ पर एक कपल है, उन्होंने ये स्टार्टअप चालू किया है। तो चलते हैं वीडियो में, मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसे बनता है और इसका क्या टेस्ट है, क्या प्राइस रेंज होगा। चलते हैं सीधा वीडियो में। सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। तो हनुमानगढ़ में भी अपना कुल्लड़ पिज्ज़ा आ चुका है। जी हाँ, अगर आपने नहीं देखा है ये शॉप कहाँ पर है, तो मैं आपको बताता हूँ ये शॉप कहाँ पर है। तो कुल्लड़ पिज़्ज़ा मतलब बहुत ज़्यादा फेमस आइटम हो रखा है फिलहाल के टाइम में। और लोकेशन की बात करूँ, अपना अंडर पास है, जस्ट यहाँ पर इन्होंने अपनी वैन स्टार्ट करी है, और नई चीज़ है हनुमानगढ़ में, और हम वहाँ पर ना जाएँ ऐसा नहीं हो सकता। तो मतलब कुल्लड़ पिज़्ज़ा जो है ना, पहले फेमस हुआ पंजाब में, फिर हुआ दिल्ली में, फिर जयपुर में, और अब आ चुका है हनुमानगढ़ के अंदर। तो अपने देखते हैं यहाँ पर मतलब इस वैन के अंदर क्या कुछ है। वैसे मैंने ये फर्स्ट लुक देखा था, तो इसके अंदर मतलब कुल्लड़ पिज्ज़ा और अपना सैंडविच और शायद पाव भाजी वगैरह भी है। तो उसको मतलब कंफर्म करते हैं और देखते हैं चल के इनका मतलब क्या स्पेशल है और कैसे मतलब ये मेकिंग करते हैं। और मतलब ये वीडियो के अंदर ओनर वगैरह नहीं आएंगे, तो आपको वैसे ही मैं ओवरव्यू दिखा दूंगा और मेकिंग दिखा दूंगा। तो चलते हैं सीधा वीडियो के अंदर और इनकी स्पेशल चीज़ चेकआउट कर लेते हैं। रिस्पॉन्स कैसा था फिर कल? बढ़िया बढ़िया था। ने लोकल ही है कि वैसे भी ये पंजाब से पीछे? अच्छा, नहीं ये पंजाब में ज्यादा चलता है ना ये वाला सिस्टम, कुल्लड़ पिज्जा वाला। हमने तो इधर ही आके सोचा था। अच्छा, पैन वगैरह कहाँ से तैयार करवाई फिर? भीलवाड़ा। यहाँ पे तो सब कच्चा रखोगे ना वैसे? थोड़ा थोड़ा हल्का कच्चा पक्का रहता है। हाँ, ताकि वो बाद में थोड़ा सा पक जाए ना। कितनी देर लगती है बनने में? ये लिक्विड चीज है या फिर वो है मेयोनीज है? लिक्विड चीज है। और ये भी मजरेला है। ये सारा ये अमूल की है, वो भी बहुत अच्छा। तो पंजाब में पहले करते थे क्या? मतलब यहीं पे नहीं, स्टार्ट ही यहीं इधर ही पे है। सीखा ही है। सीखा कहाँ पे होगा? इधर लोकली। अच्छा, यहाँ पे कोई बनाता तो है नहीं वैसे? इधर ना एक लड़का है, वो पिज्जा शॉप पे काम करता है। अच्छा अच्छा तो पूरा काम है। ठीक है, मतलब मेन तो इसका बेस रेडी करनी है ना, बाकी तो ओवन का ही काम होता है ना। कितनी देर के लिए अंदर जाएगा अभी? 5 मिनट्स।
तो ये हो चुका है अपना कुल्हड़ पिज्जा रेडी, और एक बार इसको देख सकते हो, और ओ चीज देख सकते हो, मतलब जो ऑनलाइन देखा हुआ है ना, बनाया तो भैया ने एकदम वैसा ही है। टेस्ट की बात करते हैं, एक बार इसको टेस्ट करते हैं। ये तो चीज चीज लग रहा है, इसको थोड़ा मिक्स करता हूँ पहले, फिर आपको बताता हूँ मैं कैसा टेस्ट है। इसकी प्राइसिंग की बात करूँ ना, तो प्राइसिंग 60 और 90 रुपये होने वाली है, ठीक है। तो मिक्स चीज़ तो काफ़ी ज़्यादा है यार इसके अंदर, ये देख सकते हो यार कितना चीज़ है इसके अंदर, और बहुत गर्म है ये, 5-7 मिनट कितना ओवन के अंदर रहा है ये। टेस्ट बहुत बढ़िया है इसका, फर्स्ट बाइट से मतलब ना पता लग जाता है यहाँ पे टेस्ट कैसा होने वाला है पूरी चीज का, तो टेस्ट का काफी अच्छा है। एक बाइट मैं और लेता हूँ अंदर की तरफ से। चीज की बात करूँ, चीज देखो यार, अंदर से निकाल रहा हूँ फिर भी इतना चीज है। बढ़िया है यार, टेस्ट तो काफी बढ़िया है, और 60 और 90 रुपए के हिसाब से तो काफी अच्छा है। ये शायद छोटे वाला बना दिया इन्होंने, बोला तो मैंने इनको बड़े वाला था, कोई दिक्कत नहीं है, बट यार बनाया काफी अच्छा है, तो काफी सही टेस्ट आ रहा है। मतलब जो जो इन्होंने डाला है ना, मेकिंग तो मैंने आपको दिखाई थी, तो बहुत सही है। और इनकी लोकेशन की मैं बात करूँ, एक बार मैंने बताया था आपको, और एक बार दिखा दो यहाँ से, और अंडरपास भी दिखा दो, अंडरपास कहाँ है। तो जो आपने मतलब अंडरपास देखा है ना, तो यहाँ पर इन्होंने लास्ट में अपना ये लगाया हुआ है स्टॉल, वैन बोलूंगा मैं, तो बिल्कुल एंड में है, आपको कोई भी नहीं है, और काफ़ी अच्छे तरीके से बनाया हुआ है, और नाम वगैरह लिखा हुआ आपको दिख जाएगी। तो इसको मैं एंजॉय कर लेता हूँ, मतलब बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है यार। तो आप हनुमानगढ़ की और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारी प्लेलिस्ट जो है ना नीचे, उसको चेकआउट कर सकते हो। और ये तो मैं अकेला खाने वाला हूँ, कैमरा मैन के लिए अलग लेना पड़ेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, बाय।